वीडियो शुरू करने में क्या कहे, मैं आरसी चलाऊंगा रोड की किंग सबसे फास्ट। बहुत स्मूथली ये कितने गई थी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग लाए एक नई ड्रैग वीडियो, एक नई ड्रैग रेस करेंगे जिसमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने खड़ी की है कावासाकी की निंजा 300, उसके बाद खड़ी है KTM RC 390 और उसके बाद रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। तो अगर बात करें सिलेंडर्स की तो निंजा 300 में है दो सिलेंडर्स और RC 390 में सिंगल सिलेंडर और GT 650 में डुअल सिलेंडर है। लेकिन RC 390 सिंगल सिलेंडर होने के बाद भी इतना पावर प्रोड्यूस करती है कि दोनों को बहुत अच्छे से टक्कर देती है। तो आज इसी चीज़ को देखेंगे कि कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा फास्ट है। वैसे आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे मेरी एक क्वाड बैटल में कि निंजा 300 मिसिंग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में निंजा 300 के साथ RC और रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 की एक वीडियो बनाते हैं। तो आपको और क्या लगता है निंजा 650 की और किससे किससे ड्रैग करनी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं। तो चलिए बिना ज़्यादा बात करें शुरू करते हैं बैटल को और देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं। और अगर आप इस वीडियो में आएँ तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं वीडियो पे। तो हम लोग चलाएंगे सबसे पहले निंजा 300, भैया चलाएंगे RC 300 या निंजा नहीं चलाते हैं, या हम चलाएंगे कॉन्टिनेंटल GT 650 और भैया चलाएंगे निंजा 300 और अंकित चलाएगा RC 390। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं। तो निंजा ने बहुत अच्छे से कंपटीशन दिया RC को लॉन्चिंग के मामले में और निंजा लग चुकी है पीछे RC के बेटर। क्या बात है भैया, आज तो बहुत तगड़ी बैटल हो रही है। हम लोग अभी हैं सबसे पीछे, लेकिन अभी देखते हैं टॉप एंड किंग। ओ भाई निंजा ने क्या टक्कर दी RC को। क्या पानी भरो, कहां निंजा उंजा से टक्कर ले रहे हो। अरे नहीं यार, ये तो सही में टक्कर ले ली। मजा आएगा ना पेड़ो।
191 गई है। ये 182 थी अंकित, मजा आई तो आप लोगों ने देखा रिजल्ट्स क्या रहे। निंजा जस्ट पीछे थी, भैया बता रहे 191 तक गई थी, लेकिन देखेंगे अगर राइडर स्विच करते हैं तो निंजा भी चला के देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स रहते हैं। और जीटी तो 180-182 गई, और आरसी जो सबसे तेज़ चलती है वो आज सबसे पीछे रही। तो अब हम लोग चलाएंगे आरसी 390। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर रहा हूँ। क्या उन्ना कितना आगे जाओगे, क्या है ये सब, क्या है? और भाई ये तो क्या हुआ, ये निंजा सबसे पीछे तो दोस्तों आप लोगों ने रिजल्ट्स देखा, कॉन्टिनेंटल जीटी 650 सबसे आगे रहती है और उसके पीछे रहती है निंजा 300। निंजा 300 को अभी तक नहीं भगा पाए हम लोग, लेकिन अगले बैटल भगा के देखेंगे कि कितने टॉप स्पीड है इसकी। तो अगर आपको अगली बैटल देखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को अगली बैटल कौन सी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले डिसाइड करते हैं विनर के बारे में। तो आपको क्या लगता है, अगर थोड़ा सी और लॉन्ग रेस होती तो निंजा 300 क्या जीटी 650 के आगे निकल जाती? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम आईडी डिस्प्ले हो रही है, फॉलो करिए। ओके, बाय बाय।